सोच सबकी अलग क्यों है इस देश में, सोच सबकी अलग क्यों है इस देश में, सोचिए तो हमारा वतन एक है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। तो आज विद्यार्थी हम लोग एरिया के चैप्टर से विविध प्रश्न को देखेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। किसी चतुर्भुज के तीन कोण 69 डिग्री, 110 डिग्री और 75 डिग्री है, चतुर्भुज के चौथे कोण का मान बताइए। तो विद्यार्थी यहां पे ध्यान दें, चतुर्भुज में कुल चार कोण होता है। तो ये जैसे मान लेते हैं ये 69 है, ये है 110 है और ये आपका 75 है, तो ये कितना है, मान लेते हैं यक्ष है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल जो है 360 होता है, इतना आपको जानना चाहिए। तो यक्स प्लस 69 प्लस 110 प्लस 75 इज इक्वल टू 360। यक्स इज इक्वल टू 360 माइनस 69, 110 और 75, इनको ऐड करने पर आता है 254, उधर जाके घट जाएगा। ये सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 106 डिग्री। तो इस आधार पे ऑप्शन भी आपका करेक्ट है, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। किसी समबहुभुज में जिसके आंतरिक और बाह्य कोणों का अनुपात 2:1 हो तो कुल कितनी भुजाएं होंगी। तो आंतरिक कोण थीटा इंटरनल अपान थीटा एक्सटर्नल, ये दिया है 2:1। आपको यहां पे जानना है किसी समबहुभुज में सभी आंतरिक कोणों का योगफल कितना होता है, किसी समबहुभुज में सभी बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है, ये चीज ध्यान देना है। आंतरिक कोणों का योग का जो फार्मूला होता है 2n-4 इन ब्रैकेट इनटू पाई बाय 2 या 90 अंश कहा जाए, ध्यान दे, ये आंतरिक कोणों का योगफल है। अगर ये जानना चाहते हैं कैसे, तो आप समझ लीजिए ट्रिंगल ले लीजिए। ट्रिंगल में सभी कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो ट्रिंगल में कितने साइड हैं, तीन साइड हैं, तो यहां पे तीन रखिए, तो 3 × 2 = 6, 6 में से 4 गए 2, 2 × 90 कितना हो गया 180 अंश। तो ट्रिंगल में कितना होता है, तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश। चतुर्भुज ले लीजिए, तो n के स्थान पर रख दीजिए 4, 4 × 2 = 8, 8 में 4 गए 4 और 4 × 90, 4 × 9 = 36, 360 अंश। चतुर्भुज के कोणों का योगफल कितना होता है, 360 अंश, अभी हम लोगों ने देखा है। तो यहां पे n के स्थान पे 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, 6 रखिए, तो वहां आपको पता चल जाएगा कि आंतरिक कोणों का योगफल उस आकृति के लिए कितना होता है। तो ये हो गया फार्मूला। अब आपसे आपको ध्यान देना है, सभी आंतरिक कोणों का योगफल बराबर होता है 2n-4 इन ब्रैकेट घुड़े 90 अंश या पाई बाय 2, जिसमें n जो है भुजाओं की संख्या है, ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। ये तो सभी आंतरिक कोणों का योगफल हो गया। कोई कहे प्रत्येक आंतरिक कोण का मान बताइए, किसी एक आंतरिक कोण का मान बताइए, कुल में भुजाओं की संख्या से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। अगर कहीं ऐसी जरूरत पड़ती है तो आप सतर्क रहेंगे इस फार्मूले से भी और इस फार्मूले से भी। बाह्य कोणों का योग हमेशा क्या रहेगा, 360 अंश रहेगा, इसमें आशंका करने की कोई बात नहीं है। जैसे ये देखिए, ये आप साइड बाहर किए तो ये एंगल, और इस साइड को बाहर किए तो ये एंगल, इस साइड को बाहर किए तो ये एंगल, सभी बाह्य कोणों का योगफल जो होगा हमेशा क्या होगा, वो 360 अंश होता है, और प्रत्येक बाह्य कोण का मान 360 बटे भुजाओं की संख्या, तो 360 बटे n हो जाएगी। तो इस चार फार्मूले को आपको विशेष ध्यान देना चाहिए, जिसमें पहला और ये तीसरा, अगर ये आप जानते हैं तो भुजाओं की संख्या से भाग देकर हम प्रत्येक की गणना बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब बस अगर इतना कंसेप्ट आपके पास है तो अब इसकी सहायता से हम प्रॉब्लम हल कर लेंगे। तो थीटा आंतरिक कोणों का योगफल कितना है, 2n-4 into 90 अंश बटे
थीटा एक्सटर्नल बाह्य कोणों का योगफल वो 360 है, ये हमको दिया है 2/1, तो 9 चौक 36 चार आया, 4 2 8 2n-4 = आया 8, 2n = 8 4 12 हो गया, तो n = क्या है, भुजाओं की संख्या कितनी रहेगी, 6 रहेगी। तो सवाल बड़ा आसान है, बशर्ते इस फार्मूले का ज्ञान होना चाहिए। ये फार्मूला बहुत ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, इसमें जब भुजाओं की संख्या 3 रखेंगे तो आपको विश्वास हो जाएगा कि त्रिभुज के सभी आंतरिक कोणों के ऊपर कितना होता है। n बराबर 4 रखेंगे तो आता है 360, तो आपको पता चल जाएगा चतुर्भुज के चारों आंतरिक कोणों के ऊपर कितना होता है, 360 होता है, तो याद करने में आसानी होगी। किसी एक आंतरिक कोण का मान चाहते हैं तो टोटल भुजाओं की संख्या से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, और बाह्य कोणों के फल 360 होता है तो आसान है। किसी एक बाह्य कोण का मान तो भुजाओं की संख्या से क्या करना होगा, भाग करना होगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, तीसरा क्वेश्चन देखा जाए। किसी समबहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण के 8 × 18 अधिक है, तदनुसार उस बहुभुज की कुल भुजाएं कितनी हैं? तो प्रत्येक आंतरिक कोण तो होगा 2n-4 × 90, तो ये प्रत्येक आंतरिक कोण का योगफल हो गया, और भुजाओं की संख्या से अगर भाग देंगे तो प्रत्येक आंतरिक कोण हो गया, बराबर प्रत्येक बाह्य कोण, तो ये 360/n। इसका 8 गुना जो है, 8 × 18 ये 18 अधिक है, तो कम वाले में 18 क्या कर ले, जोड़ दें हम, यस। तो यहां पे देखिए 9 से दोनों तरफ कट रहा है, 9 × 10 = 90, 9 चौक 36, 9 × 2 = 18, तो ये कर लीजिए, 10 से अंदर गुणा कर लीजिए, 20n-10 = 40 / n बराबर है 8 चौक 32 320/n + 2, इतना हमारे पास है। इसको इस तरफ ले आइए, 20n इसको इस तरफ ले आएंगे, 320 = 40 - 360 - 360/n है बराबर 2, हर दोनों का सेम है तो रहेगा, तिर्यक प्रोडक्ट है, 20n-360 = 2n, यस, तो ये उधर आएगा तो हो जाएगा 18n, 18n = 360, 18 × 36 20, भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी, 20 आएगी। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। यदि किसी समबहुभुज का प्रत्येक कोण 2 समकोणों के 3/5 गुणा के बराबर है तो भुजाओं की संख्या है, तो समबहुभुज के प्रत्येक कोण वो होता है 2n-4 × 90/n बराबर 2 समकोण = 180 × 3/5 के बराबर है, वो ये कह रहा है, तो 9 × 2 = 18 2 आ गया, यस, तो 3 × 2 = 6/5 आया, तो तिर्यक गुणा करते हैं, अब 5 से यहां पर गुणा करते हैं, देखिए 5 × 10n-5 = 20 बराबर 6n, तो 6 आके इधर घटेगा तो 4n बराबर आ गया 20, तो n बराबर 5, इस आधार पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। तो सम बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का ये फार्मूला हो गया, वो कहता 2 समकोण = 180 × 3/5 गुणा के बराबर है, बराबर कर दिया, 90 × 180 तो 6/5 आया, तिर्यक तुरंत गुणा करना शुरू कर दिया और आपका आंसर आ गया। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। यदि एक सम बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 अंश हो तो उस बहुभुज की कुल भुजाएं कितनी होंगी, तो सम बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण होता है 2n-4 × 90 और बटे भुजाओं की संख्या, ये कह रहा है 144 हो तो 18 × 5 = 90, 18 × 8 = 144, तिर्यक गुणा करें, इतना बटा एक रहेगा तो हो जाएगा 5, इसमें गुणा करें 5 × 2 = 10n-5 = 20 = 8n, तो
तो 8n इधर घटेगा, 2n बराबर कितना आएगा 20, 3n बराबर 10। तो इस आधार पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। तो आप इसे काफी कर लीजिए। तो फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, आज का लास्ट क्वेश्चन देखा जाए। एक समष्टभुज के आंतरिक कोण और उसके बाह्य कोण के मापों का अनुपात कितना होगा? समबहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का जो योग का फार्मूला होता है 2n-4 × 90 होता है, बटे उसके बाह्य कोण कितना होता है 360, इसी का वो अनुपात पूछ रहा है। यस, तो ये आ गया 9 × 36, 4 आ गया, मतलब 2n-4/4 आया। समबहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योगफल का ये फार्मूला होता है और उसके बाह्य कोणों का योग 360 होता है। यस, अब उसमें कंडीशन डाल दिया समष्टभुज, तो एक ऐसा बहुभुज जिसकी भुजाएं क्या हो गया 6 हो गया, तो n के स्थान क्या रखना होगा 6 रखना होगा, तो 2 × 6-4/4, तो 6 × 12 में से 4 गए 8, 8/4 मतलब 2/1 हो गया, 2:1। इस आधार पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। तो यहाँ पे ये फार्मूला बहुत कीमती है, इसी पर सभी सवाल जो है आ सकते हैं आपके यहाँ। तो किसी समबहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योगफल 2n-4 × 90 ये आपको जानना चाहिए, और सभी बाह्य कोणों के योगफल हमेशा 360 होता है, और दोनों में अगर प्रत्येक आंतरिक कोण या प्रत्येक बाह्य कोण का मान चाहिए तो भुजाओं की संख्या से क्या करना होगा भाग करना होगा। टोटल इतना कंसेप्ट है विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए। आज बस इतना ही, आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।